Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is intellectual property waiver for COVID-19 vaccine. हम जानेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर के बारे में कोविड-19 वैक्सीन के लेके। द यूनाइटेड स्टेट्स हैड अनाउंस सपोर्ट फॉर वेविंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19 वैक्सीन सेइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर। जो यूनाइटेड स्टेट है उन्होंने अनाउंस किया कि वो सपोर्ट करेंगे वेविंग के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ताकि जो कोविड-19 वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस हो सके मास स्केल में, क्योंकि उनका मानना है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेना चाहिए। The US will pursue text-based negotiation on the waiver of the World Trade Organization. जो US है वो pursue करेगा text-based negotiation को waiver के लिए World Trade Organization पे। तो text-based negotiation होता क्या है? They involve negotiation exchanging text with their preferred wording and then stretching out a consensus on the working a fairly long-drawn affair. जो टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन है इसमें नेगोशिएशन एक्सचेंज होता है टेक्स्ट के माध्यम से, जिसमें प्रिफर्ड किया जाता है वर्किंग को और बाद में स्ट्रेचिंग आउट किया जाता है एक कॉन्सेंसस को वर्किंग के ऊपर, जो कि फेयरली लॉन्ग ड्रॉन अफेयर है। व्हाट डज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर फॉर कोविड-19 वैक्सीन मीन? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर है कोविड-19 वैक्सीन के लिए, इसका क्या मतलब है? The IP waiver might open up space for production of COVID vaccine with emergency use authorization, such as those developed by Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson and Bharat Biotech on a larger scale in middle-income countries. जो IP waiver है ये open कर देगा space को production के लिए COVID vaccine का, जिसमें emergency use authorization होगा, जिसको जो developed किया गया है जैसे Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Bharat Biotech इन सब के द्वारा large scale में इसको produce किया जा सकेगा मिडिल इनकम कंट्रीज में, ताकि सबको वैक्सीन प्रोवाइड किया जा सके। इसी कारण ये वेबर की डिमांड की जा रही है। मोस्ट प्रोडक्शन इज करेंटली कॉन्सेंट्रेटेड इन हाई इनकम कंट्रीज। प्रोडक्शन बाय मिडिल इनकम कंट्रीज हैज बीन हैपिंग थ्रू लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। जो ज्यादातर प्रोडक्शन है अभी वो करेंटली कॉन्सेंट्रेटेड है हाई इनकम कंट्रीज में। जो प्रोडक्शन है मिडिल इनकम कंट्रीज में वो अभी हो सकेगा लाइसेंसिंग या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के माध्यम से ही हो रहा है, जो कि एक कसल के रूप में काम कर रहा है, बल्क अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं करवाने के लिए मेन रीजन है। अर्लियर प्रपोजल फ्रॉम इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। जो अर्लियर प्रपोजल था इंडिया और साउथ अफ्रीका की तरफ से, अक्टूबर 2020 इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आस्क द WTO टू वेव सर्टेन कंडीशन ऑफ द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स एग्रीमेंट दैट कुड इम्पेड टाइमली एक्सेस टू अफोर्डेबल मेडिकल प्रोडक्ट टू कॉम्बेट कोविड-19। अक्टूबर 2020 में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने पूछा था WTO से कि वो वेव करे सर्टेन कंडीशन को ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट के अनुसार, जो इम्पेड कर सके टाइमली एक्सेस अफोर्डेबल मेडिकल प्रोडक्ट का, ताकि कॉम्बेट किया जा सके कोविड-19 को। The countries had asked the TRIP Council to recommend as early as possible a waiver on the implementation, application and enforcement of 4 section in the second part of the agreement. जो कंट्रीज है इन्होंने पूछा था ट्रिप्स काउंसिल से कि वो रिकमेंड कर रहे हैं जितने जल्दी हो सके एक वेवर इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन और इन्फोर्समेंट के ऊपर, 4 सेक्शन के जो सेकंड पार्ट में है एग्रीमेंट के। दिस सेक्शन आर सेक्शन 1, 4, 5 एंड 7 परटेन टू कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। ये जो सेक्शन थे वो सेक्शन थे आपके सेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7, जो कि रिलेटेड है कॉपीराइट और रिलेटेड राइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट और प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन के लिए, पेटेंट एंड आईपी राइट। अब पेटेंट रिप्रेजेंट अ पावरफुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इज एन एक्सक्लूसिव मोनोपोली ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर फॉर अ लिमिटेड प्री स्पेसिफाइड टाइम। इट प्रोवाइड एन इन्फोर्सेबल लीगल राइट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम कॉपिंग द इन्वेंशन। जो पेटेंट है वो रिप्रेजेंट करता है ये एक पावरफुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो कि एक्सक्लूसिवली मोनोपोली होता है, जो कि ग्रांट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उसके इन्वेंटर को लिमिटेड प्री स्पेसिफाइड टाइम के लिए। ये प्रोवाइड करता है एक इन्फोर्सेबल लीगल राइट, ताकि प्रिवेंट किया जा सके अदर्स को कॉपी करने से उनके इन्वेंशन को। पेटेंट कैन बी आइदर प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट। जो पेटेंट है वो चाहे प्रोसेस पेटेंट होगा या प्रोडक्ट पेटेंट होगा। तो प्रोडक्ट पेटेंट इंश्योर दैट राइट टू द फाइनल प्रोडक्ट इज प्रोटेक्टेड एंड एनी वन अदर देन द पार्टनर पेटेंट होल्डर कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड इवन इफ दे वेयर टू यूज अ डिफरेंट प्रोसेस। जो प्रोडक्ट पेटेंट होता है ये इंश्योर करता है कि जो राइट है फाइनल प्रोडक्ट का वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई भी अदर वन पेटेंट होल्डर के अलावा उनको रिस्ट्रेन किया जाता है मैन्युफैक्चर करने से, भले ही वो स्पेसिफाइड पीरियड में
वो डिफरेंट प्रोसेसेस को बना रहा हो, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए उनको रेस्ट्रिक्शन रहता है उनके ऊपर, और प्रोसेस पेटेंट इनेबल एनी पर्सन अदर देन पेटेंट होल्डर टू मैन्युफैक्चर द पेटेंटेड प्रोडक्ट बाय मॉडिफाइंग सर्टेन प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्सरसाइज। और जो प्रोसेस पेटेंट है वो इनेबल करता है किसी भी पर्सन को अदर देन पेटेंट होल्डर के अलावा कि वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं पेटेंटेड प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके सर्टेन प्रोसेसेस को मैन्युफैक्चरिंग एक्सरसाइज का। इसमें प्रोसेस के ऊपर पेटेंट की बात की गई है। पेटेंट रिजाइम इन इंडिया, जो पेटेंट रिजाइम इंडिया पे है, इंडिया मूव फ्रॉम प्रोडक्ट पेटेंटिंग टू प्रोसेस पेटेंटिंग इन द 1970 विच इनेबल इंडिया टू बिकम ए सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक जरक एट ग्लोबल स्केल एंड अलॉट कंपनीज लाइक सिप्ला टू प्रोवाइड अफ्रीका विद एंटी एचआईवी ड्रग्स इन द 1990s। इंडिया जो है वो प्रोडक्ट पेटेंटिंग से पेटेंटिंग की तरफ, प्रोसेस पेटेंटिंग तरफ मूव किया था 1970s के टाइम में ही, जिस कारण इंडिया इनेबल हो सका एक सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर के रूप में जेनरिक ड्रग्स का ग्लोबल स्केल पे। और इस कारण जो कंपनी है जैसे कि सिप्ला प्रोवाइड कर पा रही है अफ्रीका को एंटी एचआईवी ड्रग्स 1990s के दौरान में ही। बट ड्यू टू ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट इंडिया हैड टू अमेंड द पेटेंट एक्ट इन 2005 एंड स्विच टू ए प्रोडक्ट पेटेंट रिजाइम अक्रॉस द फार्मा केमिकल एंड बायोटेक सेक्टर। लेकिन जो एप्लीकेशन अराइज हुआ था ट्रिप एग्रीमेंट के कारण, इंडिया को अमेंड करना पड़ा अपना पेटेंट एक्ट को 2005 में और स्विच करना पड़ा प्रोडक्ट पेटेंट की और फार्मा केमिकल और बायोटेक सेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ढाला डैम, तो हम जानेंगे ढाला डैम के बारे में। इट इज अफगानिस्तान सेकेंड बिगेस्ट डैम, तो ढाला डैम है या अफगानिस्तान का सेकेंड बिगेस्ट डैम है, तो कहाँ का बिगेस्ट डैम है, सेकेंड बिगेस्ट डैम है अफगानिस्तान का, ये इंपॉर्टेंट है। तालिबान हैज कैप्चर्ड इट आफ्टर अ मंथ ऑफ फायर फाइटिंग, तालिबान ने कैप्चर कर लिया इसको फायर फाइटिंग के बाद। इट इज लोकेटेड इन कांधार प्रोविंस इन अफगानिस्तान, ये लोकेटेड आपके कांधार प्रोविंस में अफगानिस्तान के। इट इज लोकेटेड इन द शाह वाली कोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांधार प्रोविंस अफगानिस्तान, ये लोकेटेड है शाह वाली कोट डिस्ट्रिक्ट में कांधार प्रोविंस में अफगानिस्तान के। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1952 बाई द यूएसए, ये जो ढाला डैम है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1952 के दौरान यूएसए के मदद से। द ढाला डैम इज बिल्ट ऑन द अर्गाबाद रिवर, जो ढाला डैम है वो अर्गाबाद रिवर के ऊपर है, तो किस रिवर के ऊपर है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डैम बिल्ट बाय इंडिया इन अफगानिस्तान, अब हम अफगानिस्तान और उसके डैम के बारे में जान रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो डैम इंडिया ने बनाया है अफगानिस्तान पे, तो पैक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सातू डैम एंड काबुल, इंडिया के द्वारा पैक्स साइन किया गया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेगा सातू डैम को काबुल रिवर के ऊपर। अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम सलमा डैम, जो हम जानते हैं इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है अफगानिस्तान पे, ये आप देख सकते हैं जो कैप्चर किया गया है ढाला डैम अफगानिस्तान के कंधार रीजन पे, उसका लोकेशन को मैप में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केरला प्रेजेंस इन एनुअल एक्शन प्लान अंडर जल जीवन मिशन, पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम समझेंगे कि केरला ने जो प्रेजेंट किया अपना एनुअल एक्शन प्लान जल जीवन मिशन के अंतर्गत, उसको एनुअल एक्शन प्लान ऑन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन केरला वाज प्रेजेंटेड, जो एनुअल एक्शन प्लान है प्लान करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए जल जीवन मिशन को केरला पे इसको प्रेजेंट किया गया है। केरला स्टेट ऑफिशियल आउटलाइन द रोडमैप ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 टू द नेशनल कमिटी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो केरला स्टेट ऑफिशियल है उन्होंने आउटलाइन किया है जो रोडमैप तैयार किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए नेशनल कमिटी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। द स्टेट प्लान टू अचीव द टारगेट ऑफ हर घर जल बाय 2024, जो केरला है उसका टारगेट है कि वो अचीव करेगा हर घर जल को 2024 तक। द स्टेट ऑल्सो प्लान टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर इन ऑल क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशन बाय जून 2021 थ्रू पाइप वाटर सप्लाई और कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लान, स्टेट ने प्लान किया है कि वो प्रोवाइड करेगा पोर्टेबल वाटर को सारे क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशन पे जून 2021 तक पाइप वाटर सप्लाई के माध्यम से या कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट के माध्यम से। द नेशनल कमिटी एनालाइज एंड एडवाइज ऑन द प्लान प्रेजेंटेड बाय द स्टेट, और जो नेशनल कमिटी है उन्होंने एनालाइज किया और एडवाइज किया इस प्लान को जो कि प्रेजेंट किया गया स्टेट के द्वारा। द कमिटी एम्फेसाइज द प्रिपरेशन ऑफ विलेज एक्शन प्लान एंड द कंस्टिट्यूशन ऑफ विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी, पानी समिति, एज ए सब कमिटी ऑफ ग्राम पंचायत विद अ मिनिमम 50% ऑफ वुमेन मेंबर्स, जो कमिटी है उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि प्रिपेयर किया जाए एक विलेज एक्शन प्लान को और कंस्टिट्यूट किया जाए विलेज वाटर और सैनिटेशन कमिटी, पानी कमिटी को, जो कि एक सब कमिटी होगा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जिसमें मिनिमम 50% वुमेन मेंबर्स होगी। ऑल्सो एम्फेसाइज इज रिक्वायर्ड ऑन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस एक्टिविटी टू इंश्योर फील्ड टेस्ट की टेस्टिंग एट ग्राम पंचायत लेवल, आंगनबाड़ी सेंटर एंड स्कूल, और फोकस किया गया है कि वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्विलेंस एक्टिविटीज के ऊपर फोकस हो ताकि इंश्योर किया जा सके फील्ड टेस्ट की टेस्टिंग को ग्राम पंचायत लेवल पे, आंगनबाड़ी सेंटर और स्कूल के लेवल पे। जल जीवन मिशन, अब हम जानेंगे जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एम्स टू प्रोवाइड हाउस होल्ड टेप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024,
जो जल जीवन मिशन है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका मकसद है प्रोवाइड करना हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन को हर एक रूरल हाउस होल्ड में 2024 तक। सिंस अनाउंसमेंट ऑफ द मिशन इन अगस्त 2019, 4.17 करोड़ न्यू टैप कनेक्शन हैव बीन प्रोवाइडेड इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब से अनाउंस किया गया इस मिशन को अगस्त 2019 से, तब से अभी तक 4.17 करोड़ न्यू टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है रूरल एरियाज में कंट्री के इस दौरान। एज ए रिजल्ट 7.40 करोड़ 38.56% रूरल हाउसहोल्ड हैव टैप वाटर सप्लाई 3.23 करोड़ 17% इन 2019। यार इसका परिणाम ये निकला कि जो 7.40 करोड़ 38.56% रूरल हाउस होल्ड है उन तक टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करा दिया गया, जबकि 2019 में ये सिर्फ 17% था, 3.23 करोड़ पीपल तक ही था। एफर्ट आर मेड टू डोवरटेल ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज बाय कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम वाया मनरेगा, SBM, 15 फाइनेंस कमीशन, ग्रांट टू PRI, कैंपा फंड, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड एक्सेट्रा। एफर्ट लिया जा रहा है ताकि डबल किया जा सके सारे अवेलेबल रिसोर्स को कवर करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम का, जैसे कि मनरेगा हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, 15 फाइनेंस कमीशन का ग्रांट हो गया PRI को, कैंपा फंड, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड एंड सो ऑन। एलोकेशन फॉर द जल जीवन मिशन, तो एलोकेशन किया गया जल जीवन मिशन के लिए इन 2021-22 ₹50,000 करोड़ बजटरी एलोकेशन हैड बीन मेड फॉर जल जीवन मिशन। 2021-22 के सेशन में 50,000 करोड़ बजटरी एलोकेशन किया गया है सिर्फ जल जीवन मिशन के लिए। इन एडिशन टू दिस देयर इज ऑल्सो ₹26,940 करोड़ एश्योर फंड अवेलेबल अंडर द 15 फाइनेंस कमीशन टाइड ग्रांट टू RLB और PRI फॉर वाटर एंड सैनिटेशन मैचिंग स्टेट शेयर एंड एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ ₹26,940 करोड़ जो कि एश्योर फंड है अवेलेबल कराया गया है 15 फाइनेंस कमीशन, जिन्होंने टाई ग्रांट किया था रूरल लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ वाटर और सैनिटेशन मैचिंग स्टेट शेयर और एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट के लिए। दस इन 2021-22 मोर देन ₹1 लाख करोड़ इज प्लान टू बी इन्वेस्टेड इन द कंट्री ऑन इंश्योरिंग टैप वाटर सप्लाई टू रूरल होम। इस कारण 2021-22 में मोर देन ₹1 लाख करोड़ जो है वो प्लान किया गया है कि वो इन्वेस्ट किया जाएगा कंट्री पे, ताकि इंश्योर किया जा सके टैप वाटर सप्लाई को रूरल होम्स के लिए। दिस ह्यूज इन्वेस्टमेंट विल गिव अ बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज एज वेल एज बूस्ट रूरल इकोनॉमी। और ये जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है 1 लाख करोड़ का, ये बूस्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा रूरल एरियाज में और साथ साथ बूस्ट करेगा रूरल इकोनॉमी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया यूके वर्चुअल समिट स्ट्रेंथेन STI कॉपरेशन। PIB कन्वर्जेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इंडिया यूके के बीच में वर्चुअल समिट हुआ था जिसके तहत स्ट्रेंथेन किया जा रहा है STI कॉपरेशन को, हम इसके बारे में समझेंगे। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूके मेट वर्चुअली एंड एम्फेसाइज देयर शेयर्ड कमिटमेंट टू एन इनहेंस पार्टनरशिप इन साइंस एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट मेट किया है वर्चुअली, ताकि इम्फोसाइज किया जा सके उनका जो शेयर कमिटमेंट है एक इनहेंस पार्टनरशिप के लिए साइंस एजुकेशन रिसर्च और इनोवेशन के लिए। इन कीपिंग विद दिस कमिटमेंट बोथ द लीडर्स वेलकम द फॉलोइंग, और इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए दोनों ही लीडर्स ने वेलकम किया है इन सारे चीज को। द न्यू मूव ऑन टेलीकॉम कम्युनिकेशन ICT एंड द ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी, एक न्यू मूव साइन किया गया है टेलीकम्युनिकेशन और ICT के लिए, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया गया डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी के लिए। There was also the establishment of new high level dialogue on tech. Establishment किया गया new high level dialogue on tech के लिए, a new joint rapid research investment into COVID-19. एक नया joint rapid research investment किया गया COVID-19 के लिए, a new partnership to support genomic research. एक नया पार्टनरशिप दोनों कंट्री के बीच में किया गया है इंडिया और यूके के बीच में, ताकि सपोर्ट किया जा सके जूनोटिक रिसर्च को। न्यू इन्वेस्टमेंट टू एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट साइंस, न्यू इन्वेस्टमेंट किया गया है ताकि एडवांस अंडरस्टैंडिंग कर सके हम वेदर और क्लाइमेट साइंस के बारे में। देयर विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ द यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव, और कंटिन्यू किया गया है यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव को। की पॉइंट टू स्ट्रेंथन STI कॉपरेशन, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मजबूत करता है STI कॉपरेशन को। इनहेंस कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके ऑन द स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ वुमेन इन स्टेम एट स्कूल यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन थ्रू इनिशिएटिव लाइक जेंडर एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन गति प्रोजेक्ट। ये इनहेंस कर रहा है कॉपरेशन को इंडिया और यूके के बीच में, मजबूत करते हुए जो रोल है वुमेन का स्टेम के लेवल पे, स्कूल और यूनिवर्सिटी पे, रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे इनिशिएटिव, जैसे कि जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन गति प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से स्टेम जो है साइंस टेक्नोलॉजी के लिए है।
develop collaboration between industry, academia and the government to foster innovation among school students by focusing on teacher training, mentoring and sharing of global best practices through initiative like India Innovation Competency Enhancement Program. Develop किया जाएगा collaboration को industry, academia और government के बीच में, ताकि foster किया जा सके innovation को school student के लिए, focus करते हुए teacher training के ऊपर, mentoring के ऊपर, share किया जाएगा global best practices को initiative के माध्यम से, जैसे कि India Innovation Competency Enhancement Program हो गया. Build on the two countries' existing bilateral research, science and innovation infrastructure and governmental relationship to continue to support high quality, high impact research and innovation through joint process. जो बिल्ड किया गया है दोनों कंट्री के द्वारा एग्जिस्टिंग बायलेटरल रिसर्च को, साइंस एंड इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट रिलेशनशिप को कंटिन्यू सपोर्ट किया जाएगा हाई क्वालिटी हाई इम्पैक्ट रिसर्च और इनोवेशन को ज्वाइंट प्रोसेस के माध्यम से. Force partnership across the pipeline of research and innovation activity from basic research to applied and interdisciplinary research. Force किया गया है partnership pipeline of research और innovation activity के लिए, basic research से applied and interdisciplinary research के लिए. Leverage and build on existing long standing bilateral partnership such as on education, research and innovation to stimulate a joint pipeline of talent, excellent researcher and early career innovator. लिवरेज किया गया और बिल्ड किया जाएगा एक एग्जिस्टिंग लॉन्ग स्टैंडिंग बायलेटरल पार्टनरशिप को एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन के फील्ड में, ताकि स्टिमुलेट किया जा सके एक जॉइंट पाइपलाइन को टैलेंट, एक्सीलेंट रिसर्चर और अर्ली करियर इनोवेटर्स का. वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक सपोर्ट टू पॉलिसी एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट इंक्लूडिंग एथिक्स एंड प्रमोट अ डायलॉग इन रिसर्च एंड इनोवेशन. वर्क किया जा रहा है एक साथ, ताकि शेयर किया जा सके जो नॉलेज और एक्सपर्टाइज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में. साइंटिफिक सपोर्ट किया जाएगा पॉलिसी को और रेगुलेटरी एस्पेक्ट को, जिसमें कि एथिक्स भी आएंगे, और प्रमोट किया जाएगा एक डायलॉग को रिसर्च और इनोवेशन के फील्ड पे. To Tech Summit bring together tech innovators, scientists, entrepreneurs and policy makers to work together on challenges including the norms and governance of future tech under the cross-cutting theme of data. और टेक समिट के माध्यम से एक साथ लाया जाएगा टेक इनोवेटर को, साइंटिस्ट को, एंटरप्रेन्योर को और पॉलिसी मेकर को, ताकि वो काम कर सके एक साथ चैलेंजेस के ऊपर और जो नॉर्म्स और गवर्नमेंट्स है फ्यूचर टेक का, ताकि क्रॉस कटिंग थीम जो है डाटा के ऊपर उसको अचीव किया जा सके. ग्रो प्रोग्राम सच एज फास्ट ट्रैक स्टार्टअप फंड टू नर्चर इनोवेशन लेड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड जॉब एंड टेक सॉल्यूशन दैट बेनिफिट बोथ कंट्रीज. ग्रो किया जाएगा प्रोग्राम को, जैसे कि फास्ट ट्रैक स्टार्टअप फंड हो गया, ताकि नर्चर किया जा सके इनोवेशन लेड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड जॉब को और टैक्स सॉल्यूशन को, जो बेनिफिट करेगा दोनों कंट्रीज को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड. तो हम जानेंगे फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड के बारे में. द ओवरसाइट बोर्ड हैज सेट अप एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट विल हेल्प फेसबुक फिगर आउट व्हाट कंटेंट वाज बी अलाउड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड व्हाट ऑट टू बी रिमूव्ड. जो ओवरसाइट बोर्ड है उसको सेटअप किया गया है एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे, जो मदद करेगा फेसबुक को फिगर आउट करने में कि कौन से कंटेंट को अलॉट करना चाहिए उसके प्लेटफॉर्म में और किसको रिमूव करना चाहिए. फेसबुक एज वेल एज इस यूजर कैन रिफर केस टू द बोर्ड. द डिसीजन ऑफ द बोर्ड आर बाइंडिंग ऑन फेसबुक. जो फेसबुक है उसके यूजर वो रिफर कर सकते हैं केस को उसके बोर्ड के पास, और जो डिसीजन होगा बोर्ड का वो बाइंडिंग होगा फेसबुक के ऊपर. इट वॉज अनाउंस इन 2018 एंड इट ऑफिशियली बिगेन इट वर्क ऑन अक्टूबर 22, 2020. इसको अनाउंस किया गया था फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड को 2018 में ही, लेकिन ऑफिशियली इसका काम स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 22, 2020 में. इन ऑर्डर टू इंश्योर द बोर्ड इंडिपेंडेंस फेसबुक इस्टेब्लिश एन इरिवोकेबल ट्रस्ट विद $150 million in initial funding expected to cover expectational cost for over half a decade. और इंश्योर करने के लिए बोर्ड के इंडिपेंडेंस को फेसबुक ने इस्टेब्लिश किया है एक इरोवेकेबल ट्रस्ट को. $130 million जो है वो इनिशियल फंडिंग इसके लिए किया गया है. एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कवर करेगा ऑपरेशनल कॉस्ट को ओवर हाफ ए डिकेड के लिए. एनीवन कैन नॉमिनेट ए कैंडिडेट फॉर बोर्ड मेंबरशिप थ्रू ए रिकमेंडेशन पोर्टल ऑपरेटेड बाय द यूएस लॉ फर्म बेकर मुखर्जी. और कोई भी नॉमिनेट कर सकते हैं कैंडिडेट को बोर्ड मेंबरशिप के लिए एक रिकमेंडेशन पोर्टल के माध्यम से, जो कि ऑपरेट किया जा रहा है यूएस लॉ फर्म बेकर मुखर्जी के द्वारा. वाई न्यूज में क्यों आया, तो फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड हैज अपहेल्ड द सोशल मीडिया नेटवर्क डिसीजन ऑन January 7 टू ब्लॉक द देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम हिज प्लेटफॉर्म. और जो फेसबुक का ओवरसाइट बोर्ड था उसने अपहेल किया था सोशल मीडिया नेटवर्क के डिसीजन को January 7 का ब्लॉक करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उसके प्लेटफॉर्म से. इस कारण ये न्यूज में आया हुआ था. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.